हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमित मोटो व्लॉग्स के अंदर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन टॉप 4 बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपकमिंग बाइक रहने वाली है। ये चारों ही बाइक आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मशीन रहने वाली है। यानी कि दोस्तों, अगर आप 2023 में बाइक परचेस करने की सोच रहे हैं तो आप इन चारों बाइक्स की डिटेल जान सकते हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि दोस्तों ये चारों ही बाइक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। इनमें से आप एक सेलेक्ट करके 2023 के अंदर परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जल्द ही इंडियन मार्केट के अंदर ये चारों बाइक ही आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। बाकी आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बाइक की जितनी भी अपडेट्स हैं अपकमिंग बाइक की आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पर आपकी बाइक आती है दोस्तों होंडा सिवी 190 TR। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जी जल्द ही आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। इसके फीचर्स की बात करें तो फ्रंट में आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, साथ ही इसके इंडिकेटर भी आपको LED में देखने को मिल जाएंगे। वहीं इसका न्यू डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर। इंजन की बात करें तो 184.4 CC का एयर कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि BS6 इंजन रहने वाला है। साथ ही जो पावर प्रोड्यूस करेगा 17 HP की इसमें पावर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। वहीं इसके सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक देखने को मिलेगा, साथ ही रियर में बात करें तो मोनोसॉक्स का सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वहीं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा, जो कि सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर है। आगे इसमें गियर बॉक्स की बात करें तो 5-स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि मैनुअल रहने वाला है दोस्तों। अब इस बाइक की प्राइसिंग की बात कर ले तो इसका एक शोरूम प्राइस अपने को 1,35,000 से 1,40,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा। यानी अगर आपका बजट 1,35,000 से 1,50,000 रुपये के बीच में है तो आप इस बाइक को परचेस कर सकते हैं दोस्तों। वहीं इसके लॉन्च डेट की बात करें तो ये बाइक अपने को सितंबर 2023 के अंदर देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, ये बाइक आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर बाइक की बात करें, ये रहने वाली है आपकी होंडा हॉर्नेट 160R। अब आप बोल रहे हो कि इस बाइक को लिस्ट में कैसे लिया, तो मैं आपको बता दूं, आपको फिलहाल में हॉर्नेट 160R का 2.0 मॉडल देखने को मिलता है, लेकिन उसकी सेल काफ़ी ज़्यादा डाउन है। इस वजह से दोबारा रिलॉन्च करने वाली हॉर्नेट 160R को पहले इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन अब आपको रिलॉन्च देखने को मिलेगा। अब इसमें न्यू डिज़ाइन में आपको लुक देखने को मिल जाएगा और पूरा LED सेटअप देखने को मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। वहीं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की भी बात करें तो इसमें फ्रंट में डिस्क देखने को मिलेगा, रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा, साथ ही इसमें सिंगल चैनल ABS भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वहीं इसके सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में आपको हाइड्रोलिक मोनोसॉक्स देखने को मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। बात करें इस बाइक के इंजन की तो इसमें आपको 162.7 CC का एयर कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि BS6 इंजन रहने वाला है। आगे इसमें 5-स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि मैनुअल रहने वाला है। साथ ही इसमें डिजिटल मीटर भी देखने को मिल जाएगा आपको, जिसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अब इस बाइक के लॉन्च डेट की बात करें तो ये बाइक अपने को अक्टूबर 2023 के अंदर देखने को मिल जाएगी, यानी फेस्टिवल सीजन में ये बाइक आपको 2023 के अंदर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। वहीं दोस्तों, इसके प्राइसिंग की भी बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस 1,15,000 से 1,20,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा। यानी आपके बजट में ये बाइक रहने वाली है, इसलिए आप इस बाइक को आसानी से परचेस कर सकते हैं दोस्तों। वहीं कमेंट करके बताएं ये बाइक आपको कैसे लगी। थर्ड नंबर बाइक की बात करें तो ये रहने वाली है आपकी होंडा CBR 150R। या दोस्तों, ये मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, इसलिए मैंने इस बाइक को लिस्ट में रखा है दोस्तों। ये भी आपकी अपकमिंग बाइक रहने वाली है 150 CC के अंदर। अब इस बाइक के अंदर अपने को क्या फीचर देखने को मिल जाएंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो हेडलाइट देखने को मिलेगी, LED विथ DRS देखने को मिल जाएंगे। इसका पैटर्न भी दोस्तों पैटर्न इमेज है वो रजिस्टर हो चुका है। साथ ही इस बाइक के अंदर आपको ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो ड्यूअल डिस्क देखने को मिलेगा, उसके साथ में ड्यूअल चैनल ABS भी देखने को मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। वहीं दोस्तों, इसके सस्पेंशन की बात करें तो इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फ्रंट में और स्विंग आर्म विथ मोनोसॉक्स रियर में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इंजन की बात कर ले तो 159.16 CC का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा, और साथ ही दोस्तों इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स भी देखने को मिलेगा, जो कि मैनुअल रहने वाला है। वहीं दोस्तों, इसके लॉन्च डेट की बात करें तो ये बाइक अपने को जनवरी 2024 के अंदर देखने को मिलेगी। प्राइसिंग की बात करें तो 1,70,000 रुपये इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट के अंदर। ये बाइक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही इस बाइक को कौन कौन परचेज करने वाला है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।
नेक्स्ट एंड लास्ट बाइक आपकी आती है होंडा रेबेल 300 cc। जी हाँ दोस्तों, 300 cc के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रूजर सेगमेंट में शानदार बाइक आती है ये। यह बाइक सीधा टक्कर देती है आपकी रॉयल इनफील्ड को। रॉयल इनफील्ड की सेल काफ़ी ज़्यादा डाउन कर चुकी है ये बाइक, लेकिन अब इसका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल आने वाला है। इसके अंदर अपने को फ्रंट से बात करें तो LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है इस बाइक के अंदर राउंड शेप के अंदर। साथ ही दोस्तों ये आपको पूरा LED सेटअप देखने को मिलेगा इस बाइक के अंदर, यानी इंडिकेटर और टेल लाइट भी आपको LED सेटअप में देखने को मिल जाएंगे इस बार। वहीं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की भी बात करें तो डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा। साथ ही इंजन की बात करें तो 286 cc का DOSC लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 32 से 35 HP तक की। आगे इस बाइक के अंदर अपने को 6-speed गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि मैनुअल रहने वाला है। आगे इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 11.5 लीटर एंड 11.5 लीटर की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी। ब्रेकिंग सिस्टम इसमें हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। अब बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इसका शोरूम प्राइस अपने को 230,000 से 240,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वहीं इसके लॉन्च डेट की बात करें तो नवंबर 2023 यानी फेस्टिवल सीजन में दिवाली के आसपास में ये बाइक अपने को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।